Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about the family Solanaceae. ठीक है, family Solanaceae. पहले हम इसके general characters पढ़ेंगे. ये एक लार्ज फैमिली है जिसमें पोटैटो फैमिली आते हैं, पोटैटोज आते हैं. ठीक है, ये सब ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन सब में पाए जाते हैं. वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करेंगे तो प्लांट इसमें हर्ब श्रब और रेयरली इसमें स्मॉल ट्रीज आते हैं. ठीक है, मोस्टली इसमें क्या आते हैं, हर्ब श्रब्स आते हैं. ठीक है, स्टेम की बात करेंगे, स्टेम हर्बिशियस होती है. इन रेयर केसेस वो वुडी होती है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच भी होती है, सॉलिड होती है स्टेम, या हॉलो भी होती है, हेयरी भी होती है, अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है, जैसे एज इन केस ऑफ पोटैटो. ठीक है, फिर लीव्स अगर हम देखेंगे तो लीव्स इसमें अल्टरनेट होते हैं, सिंपल भी होते हैं और रेयरली वो पिनेटी कंपाउंड होते हैं और विदाउट स्टिप्यूल होते हैं, उसको हम एक्सटिप्लेट बोलते हैं. और वेनेशन इसमें भी नेटवर्क होता है जिसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, जहाँ पर नेटवर्क होता है वेन एंड वेनलेट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं. ठीक है, अब क्या याद रखेंगे, फैमिली सोलानेसी पोटैटो टू फैमिली होती है. वेजिटेटिव करेक्टर में रेयरली ट्रीज होते हैं और इसमें हर्ब श्रब्स मोस्टली होते हैं. ये स्टेम हर्बेशियस, सिलेंड्रिकल, वुडी, ब्रांच्ड, इरेक्ट ये, और अंडरग्राउंड स्टेम होती है. लीव जो होते हैं वो ऑल्टरनेट हैं, पिनेटली कंपाउंड पे होते हैं, ये एक्सटिप्लेट होते हैं और रेटिकुलेट विनेशन होती है. ठीक है, फ्लोरल करेक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें इनफ्लोरिसेंस जो है वो साइमोस है. ठीक है, या तो सॉलिटरी फ्लावर होता है, या तो एक्सिल में प्रेजेंट होता है, या साइमोस. ठीक है, फ्लावर जो है ये बाइसेक्चुअल मीन्स इसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में. अच्छा, एक्टिनोमार्फिक है. एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है जब हम किसी भी प्लेन में जब हम फ्लावर को डिवाइड करेंगे वो इक्वल हाउस दिखाएगा. ठीक है, केलिक्स की बात करेंगे तो केलिक्स इसमें पांच होते हैं, सेपल पांच होते हैं और वो भी गैमोसेपल्स है, मीन्स जुड़े होते हैं. ठीक है, परसिस्टेंट है, मीन्स वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट होते हैं. और इसमें एस्टिवेशन जो है दैट इज वैल्यूएट. वैल्यूएट एस्टिवेशन का मतलब है जहाँ पे ये जो हमारे सेपल्स हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं, ओनली दे मीट एट द एज. ठीक है, क्या याद रखेंगे, इनफ्लोरिसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी या साइमोस होती है. फ्लावर इसमें बाइसेक्चुअल या एक्टिनोमार्फिक होता है. एक्टिनोमार्फिक फ्लावर वो होता है जो किसी भी प्लेन में इक्वली डिवाइड होता है. कैलिक्स मीन्स एपल्स पांच होते हैं और वो डिफ्यूज होते हैं, इसलिए गैमोसेपल्स बोलते हैं. परसिस्टेंट होते हैं. वेलवेट एस्टिवेशन होती है, उसका मतलब है जो सेपल्स होते हैं वो ओनली वो मीट करते हैं एज पे, दे डोंट ओवरलैप. ठीक है, एंड्रोशियम अगर देखेंगे तो स्टेम एंड इसमें पांच होते हैं और वो भी एपिपेटलस होते हैं. एपिपेटलस का मतलब होता है एंथर किसके साथ अटैच रहता है, पेटल के साथ. ठीक है, गाइनोशियम इसमें बाई कार्पलर या मीन्स इसमें दो कार्पल्स होते हैं और सिन कार्पस ओवरी होती है. ठीक है, ओवरी इसमें सुपीरियर होती है और बायलोक्यूलर होता है, मतलब ओवरी में दो चैम्बर्स होते हैं. प्लेसेंटा इसमें स्वोलन होता है और उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. प्लेसेंटेशन इसमें एग्जाइल प्लेजेंटेशन होती है. कैसी, मीन्स ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस और प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एग्जाइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं. फ्रूट इसमें कैप्सूल या बेरी बनता है और सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं. ठीक है, सीड्स होते हैं एंडो. अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखें, सबसे पहले हम देखते हैं ये ब्रैक्टेट होते हैं. ठीक है, जिसको बी आर से हम डिनोट करते हैं. एक्टिनोमार्फिक के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्लावर बाइसेक्चुअल है, मीन्स इसमें एरो भी आएगा और प्लस भी आएगा. कैलस इसमें कितने हैं, पांच हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें केलिक्स क्या हैं, पांच हैं. ठीक है, हाँ, और इसमें क्या है, ये एपीपेटलस है. पेटल्स भी पांच हैं, लेकिन वो किसके साथ जुड़े हैं, वो जुड़े हैं स्टेमेंस के साथ, इसलिए हम इसको एंड्रोशियम में स्टीमेंस वो भी पांच है. ठीक है, गाइनोशियम की बात करेंगे तो बाइकार्प दो कार्पल हैं. ठीक है, और वो भी क्या है, फ्यूज्ड हैं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं. ओवरी सुपीरियर को हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, अगर ओवरी इनफीरियर होगी तो ऊपर अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे
हाँ, इसका फ्लोरल डायग्राम कैसा बनेगा। पहले ये जो है ये इसकी मदर एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद सेपल स्पंज हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और वो दे ओनली मीट एट देयर राइज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके पेटल्स जो हैं, इसके पेटल्स जो हैं वो कैसे हैं। उनमें भी वेलवेट एस्टुएशन है, ठीक है। ये सेपल्स के स्टुएशन है, ये 5 इसके पेटल्स हैं, ठीक है। और ये 5 इसके स्टेमेंस हैं, और ये इसका गाइनोशियम है, जिसमें दो ये बायलोक्यूल है, दो लोक्यूल्स है, और प्लेसेंटेशन एक्साइल है, क्योंकि सेंटर में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। ऐसे फ्लोरल डायग्राम बनाई जाती है। पहले मदर एक्सिस है, फिर ये जो है ये 5 सेपल्स हैं, ये 5 पेटल्स हैं, ठीक है। ये 5 स्टेमेंस हैं, और ये क्या है, बीच में गाइनोशियम है, जो बायलोक्यूल है, दो लोक्यूल्स है, और सेंटर में क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। एक्साइल प्लेसेंटा मीन्स ओव्यूल्स आर अटैच टू द प्लेसेंटा एट द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम इसके देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो ये एडिबल होते हैं, हम ये खाते हैं, ठीक है। टमाटर खाते हैं, चिल्ली खाते हैं, या पोटैटो है, ये सब एडिबल पार्ट होता है। हम मेडिसिंस के ये जतूरा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें अल्कलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एट्रोपीन जो होता है वो हम इससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। किन से, फैमिली सोलानेसी के प्लांट से एट्रोपीन आँखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हायोसायामीन जो है, और हायोसाइन जो है, ये डिप्रेसिंग इफेक्ट करता है किस पे, सीएनएस पे। ऐसे स्ट्रामोनियम जो है वो हम एस्थमा के लिए इस्तेमाल करते हैं दवाई। ऐसे दतूरा के जो सीड्स हैं वो पॉइजनस होते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही रॉ खाएंगे, ठीक है। ऐसे एक और प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, वो भी फैमिली सोलानेसी से बिलोंग करते हैं। इसमें एक टॉक्सिन होता है जिसको हम एट्रोपाइन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हॉल्सिनेशन करता है। इसको हम फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे विदियाना सोमनीफेरा है, अश्वगंधा जिसको बोलते हैं, ये हम इसके रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कफ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही तंबाकू निकोटियाना तंबाकम जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ये भी फैमिली सोलानेसी से बिलोंग करता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हम जो हम गर्म डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पितूनिया वगैरह है, या ब्रनफेल्सिया जो है, ये सारे किस बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से, फैमिली सोलानेसी। ये इसकी प्लांट जो फैमिली सोलानेसी में आते हैं वो हम एडल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।